प्रणाम दोस्तों, दिल्ली 24 चैनल के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज एक छोटी सी सीख से हम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के जो फल हैं वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। थोड़ी देर ज़रूर लग सकती है, इसलिए मैं केवल और केवल आपको यही सलाह दूंगा कि आप अच्छी सोच रखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सेवा, दान, धर्म के कार्य जरूर करते रहें अपने कर्म के साथ साथ, क्योंकि ये एक ऐसे निवेश हैं जो बहुत ही अप्रत्याशित और अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। आइए बात करते हैं दिनांक 28 सितंबर के राशिफल की। मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपका उत्साह बहुत बड़ा चढ़ा रहना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला पढ़ें और 4 आटे की लोई किसी गोवंश को हल्दी लगा करके दे दीजिएगा, तो बहुत अच्छा दिन आपका जाएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। अगर घर में कोई बीमार है तो आप उनके दवा वगैरह का इंतजाम जरूर करें, अन्यथा आपको अकारण ही जो है दुख भी होगा और परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप कहीं किसी फायदे के सौदे के लिए कुछ बात करने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और आप इस तरीके के अगर डील में कुछ भी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, और रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेंगे। आप बस ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की जाप करें और गोवंश को हरा चारा खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, भावुक आप हैं ही, और भावुकता के साथ बस ध्यान दीजिएगा कि डिसीजन जब भी आप लें तो थोड़ा सा एक बार सोच जरूर लें। बाकी आज मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा बात करने का पूरा जो है वातावरण अच्छा रहेगा, तो आप चाहें तो कहीं जा भी सकते हैं घूमने के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, अगर आप उत्साह आपका बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अच्छे पद पर हैं तो आपको अच्छे समाचार आज मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए सबसे अच्छी बात जो होगी, अगर आप किसी निर्णायक पोजीशन पर हैं तो आपका डिसीजन भी आज अच्छा होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या किसी भी अप्रत्याशित जहां लाभ मिल सकते हैं, अगर ऐसे प्रोफेशन में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको लगाना चाहिए, दिन बहुत शुभ है। तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, दाम्पत्य जीवन में आज झगड़े की उम्मीद हो सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आज आप कम से कम वार्तालाप इन बातों को लेकर के करें, कहीं बहस में ना पड़े। अपने बच्चों और माता पिता का ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जोश बढ़ा चढ़ा रहेगा, अगर कोई एग्ज़ाम आपने दिया है और उसका रिजल्ट आ जाना है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, आपके फेवर में हो सकते हैं, अच्छा योग है। धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, अगर रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो टीचिंग से या टीचिंग वर्ड से हैं, बस ध्यान दीजिए कि आपको केवल क्या करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना है और 4 आटे किलो हल्दी लगा करके गोवंश को दीजिएगा। अगर कोई घायल पशु या पक्षी है तो उसका आप उपचार कराइएगा, देखिए फिर आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा तो नहीं है, अगर आप भूमि संबंधित किसी डील को करने जा रहे हैं या कहीं किसी को पैसा उधार दिया, पैसा लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आज रुक जाएं, क्योंकि आज आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जाएगा, अन्यथा आपको दुख होगा। बस आप क्या करेंगे कि 4-8 किलो गाय को हल्दी लगा करके दीजिएगा और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कीजिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक रहेगा, बट आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो जमीन से रिलेटेड है, तो वहाँ थोड़ा सा बहुत जल्दी अभी कोई कंस्ट्रक्शन अगर कराना है तो आप थोड़ा सा रुकें, विचार करें। और अगर आपकी कोई डील ऐसी होनी है कि जहाँ कुछ लेन देन का व्यापार से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा उस पर आप विराम लगाइएगा, कल जा सकते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप कुत्ते को अगर खाना खिलाएं, दूध पिलाएं और घायल कुत्ते का उपचार कराएं तो हो सकता है फिर दिन बहुत अच्छा जाने के योग बन सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, आप अगर सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं या इवन कहीं इंजीनियरिंग फील्ड से आप हैं, रिसर्च ओरिएंटेशन पर अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके जो अपने नेक्स्ट इमीडिएट बॉस होंगे उनसे भी आपके अगर रिलेशन बिगड़े हुए हैं तो आज उन रिलेशंस को पुनर्जीवित करने का अच्छा मौका है, तो अच्छी लाइफ के योग हैं आपके। ठीक है दोस्तों,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।